जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने जिस प्रकार झूठ और फरेब की राजनीति की है, आज नौजवान उनसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए 5 लाख का मेरा रोजगार का क्या हुआ। झूठे वादे नारे दे करके ये सत्ता में आए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कांग्रेस को के असली चेहरा को उजागर किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 22 को, ऊपर मैं हूं साहेबगंज से अमन कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है और इस पहली सूची में राजमहल विधानसभा से अनंत ओझा जी को फिर एक बार मौका दिया गया है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार पार्टी ने जिस तरह से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार आपको मौका दिया है राजमहल की जनताओं के बीच में चुनाव मैदान उतरने के लिए, क्या इस क्षेत्र के हमारे जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री बीएल संतोष जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, हमारे आदरणीय केंद्रीय चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे आदरणीय सह प्रभारी श्री हेमंत शर्मा जी, हमारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री नागेंद्र जी, आदरणीय करमवीर जी और उससे भी बढ़कर के प्रदेश और केंद्र के जो इतने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं और यहाँ के जो कार्यकर्ता हमारे हैं, आप देख रहे हैं कि एक घंटे के सूचने पर सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाते हैं और देवतुल्य राजमहल विधानसभा की जनता का प्यार और आशीर्वाद है कि पार्टी ने मुझे सेवा करने का पुनः एक बार यहाँ की जनता का सेवा का अवसर दिया। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अपने ओर से मेरे जीवन का हर क्षण यहाँ के माटी के लिए, यहाँ के युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए, यहाँ के गरीबों के सपनों को पूरा करने के लिए, हम बेहतर राजमहल कैसे बनाएंगे इस संकल्पना को साकार करने के दिशा में वो समर्पित रहेगा। अनंत ओझा जिंदाबाद। अनंत ओझा जिंदाबाद। झारखंड में जो संथाल परगना है, संथाल परगना में इस बार क्या रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहेगा? क्योंकि विगत के चुनाव में जिस तरह से देखा गया पूरे संथाल परगना की विभिन्न सीटों पर, तो इस बार क्या उम्मीद करते हैं? संथाल परगना में जो जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने जिस प्रकार झूठ और फरेब की राजनीति की है, समाज को भ्रमित करने वाले व्यवहार किए हैं, समाज को भ्रमित करने वाले झूठे वादे नारे दे करके ये सत्ता में आए हैं, जनता को भ्रमित करने का काम किया है, जनता ये भली भांति समझ गई है और आज उसका परिणाम है। आज नौजवान उनसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए 5 लाख का मेरा रोजगार का क्या हुआ, आपने कहा था कि 5 लाख रोजगार देंगे प्रत्येक साल। आज नौजवान पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता आपने कहा था 5,000-7,000 देने का, क्या हुआ? आज नौजवान पूछ रहे हैं कि आपने हमारे लिए, आपने कहा, महिलाएं पूछ रही कि 72,000 रुपया प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, 72,000 का क्या हुआ? ऐसे जो वादे नारे है उसको लेकर के युवा आक्रोशित है, किसान आक्रोशित है। 1 रुपया में पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार ने महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री करती थी, वो 1 रुपया का रजिस्ट्री करना इन्होंने बंद कर दिया। ऐसे सारे जो विषय है ये संथाल परिणाम घूम रहा है और उससे भी आगे बढ़ करके जो बदली हुई डेमोग्राफी है, जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यहाँ बसेरा बनाया है, आज फेज बदल करके अभी 3 दिन पहले ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कांग्रेस को के असली चेहरा को उजागर किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि जब जब कांग्रेस चुनाव का समय आता है तो कांग्रेस पार्टी वो धर्म का सहारा लेती है, जाति का सहारा लेती है, हिंदुओं की जातियां उनको दिखाई देती है और ये इंडिया अलायंस वाले भी इसी प्रकार के भ्रमपूर्ण वातावरण बना करके जाति धर्म के आधार पर इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं। अगर पूरे संथाल परगना में जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में संथाल परगना के विकास के लिए जो काम हुआ है, आज उठा करके देखें कि इन्होंने 5 साल में जो जनता से जनादेश लेकर के यहाँ के आम आवाम, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, इन्होंने जो काम किया है उसको जनता के अदालत में बताना चाहिए। आइए, जनता मालिक होती है, वो जनता के अदालत में सब कुछ साफ हो जाएगा। हमारे बीच अभी विधायक अनंत ओझा जी हैं और इन्होंने कहा कि जिस तरह से झारखंड के संथाल परगना में चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं और संथाल परगना का जो डेमोग्राफी है वो बदली हुई है, इस बार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। कांग्रेस की जो मंशा है, कांग्रेस की मंशा पर मुंह तोड़ जवाब देगी। वर्तमान की जो हेमंत सोरेन की सरकार थी उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। जनता जाग चुकी है और जनता मैदान में फुल मूड बना चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अनंत ओझा ने और भी कहा कि क्षेत्र की जो स्थिति है, यह स्थिति से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी
के पक्ष में लोग उतर चुके हैं। सहयोगी कैमरामैन के साथ साहेबगंज से न्यूज बाइस्कोप के लिए अमन राय की रिपोर्ट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।